इज दैट रेखा? हाँ जी बोलिए। रेखा, हाय, आई एम कॉलिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूट एंड आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी आपने आई डोनेट करी है। और ये मैं सबको कहता हूँ कि ये नो, आप यंग भी हैं, आप मरने से पहले अपनी आँख डोनेट करके जा रही हैं, तो मैं सबसे पहले तो अप्रिशिएट करना चाहता हूँ रेखा, और आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैं अपने बंदे कब भेज दूँ आपके पास? मतलब मतलब ये कि मेरे बंदे आएंगे ना, वो आंखें निकालेंगे आपकी, आपने डोनेट करी ना आंखें। पता नहीं है कि आंखें डोनेट अगर इंसान करता है तो वो जीते जी खुद अंधा होकर किसी को आंख तो देगा नहीं ना। जो अच्छा, इट इज डोनेटेड ड्यूरिंग लाइफ, मगर हाँ वो आंखें जो है दूसरे को तभी पास होती है व्हेन द पर्सन इज नो मोर, जब उसकी डेथ हो जाती है। हाउ कैन आई गिव यू माय आईज राइट नाउ। तो अभी क्या सीन है, आप मर गए हो या नहीं? आप पागल हो गए क्या भैया, कहाँ से बोल रहे हो आप? नहीं तो ये बता दो ना, आप मर गए हो या नहीं। अगर नहीं मरे तो बेकार है बंदे भेजना, अगर मर गए हो तो मैं अभी भेज देता हूँ गाड़ी, आंखें वाके निकाल लेंगे। Just go away. मेरी Now, बात don't hear सुनो, me. फोन कर दिया, नंबर मिलाओ। Hello? मैडम पूछ रहा था, अभी थोड़ी देर पहले मेरी आपसे बात हुई थी, 5 मिनट पहले आप जिंदा थे, अभी क्या सीन है, अभी मर गए या? मेरी बात सुनिए सीमा, आई एम सो हैप्पी माशाल्लाह, और इस नेक काम में मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, आपने आई डोनेट करी है, और मैं पूरी दिल्ली को, पूरे हिंदुस्तान को बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरह इन्होंने ये काम किया है, प्लीज अपनी जिंदगी में जाने से पहले इस दुनिया में किसी को रोशनी देना चाहते हैं तो जरूर करिएगा। Even I would like to give a message to entire Delhi and to people those who are listening that this is a very noble cause. Even being dead, you can yet be alive. आपकी आंखें तब भी दुनिया में हैं तो आप हमेशा अमर हैं, जिंदा हैं। जाहूद से बात कर सकता हूँ? जी कौन बोल रहे हैं आप? हकीम रहमत बोल रहा हूँ। आपका तो मैं फोन काफी दिन से ट्राई कर रहा था सर, मैं बहुत परेशान हूँ। जी जी मुझे मुझे पता चला, बहुत दिन से परेशान था और मेरे यार दोस्तों ने बताया कि हकीम साहब हैं, आप उनसे मिल लीजिए। मैं आपसे एक बार मिलना चाहता हूँ, आप मेरी परेशानी समझिए। कोई परेशानी की बात ही नहीं है। अच्छा, मैं हर किसी को कॉल करता नहीं हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कॉल करना मुनासिब समझता हूँ, और उनमें से एक आप हैं, खुशकिस्मत। क्या परेशानी है जहूद? ये खांसी पता नहीं कम हमारी कैसी है, जा ही नहीं रही है, 1.5 साल से खांसी जाने का नाम नहीं। कोई मसला नहीं है, इसका इलाज है और ठीक हो जाएगा। मैं ये सहारनपुर में मैंने दिखाया, वहाँ पे कोई फायदा ना हुआ। संभल में एक हकीम ने भी दिखाया, इनसे कोई फायदा ना हुआ। आप बताओ आप क्या करोगे? कई हकीमों को दिखा चुके हैं लेकिन असर कुछ हुआ नहीं, मैं ठीक कह रहा हूँ? जी हाँ बिल्कुल, आप सही इसका कह रहे हैं। सीधा सिंपल सा इलाज है, मैं आपको बता रहा हूँ। बता दो हाँ। करना आपको कुछ नहीं है, गरम पानी, बल्कि पूरा गरम ना हो, गुनगुना पानी, उसमें छटाक भर अदरक गरम... आप एक बार हो जाइए, मैं लिख लू। लिख लो, लिख लीजिए जी। आप बताइए। सबसे पहले आधा कप गरम पानी, पानी उसमें छटाक भर अदरक, अभी चढ़ाइएगा मत उसमें चूल्हे पे, नमक चुटकी भर, नमक इस पानी में डाल दीजिए चुटकी भर, चुटकी भर। गुड़ होगा घर में जी? गुड़, गुड़ हाँ है। हाथ से पिसा हुआ गुड़ इसमें हाँ। इतनी मकदार में डालें कि जितना पानी है पानी से आधा जी, गरम पानी में, गरम पानी में। अब इसको आंच पे रख दें, हल्की आंच पे रख दें, तकरीबन तकरीबन आधा घंटा इसको उबलने दें। आधा घंटा उबाल लेंगे। हकीम साहब अगर गुड़ ना हो तो? गुड़ ना हो तो आप बगैर गुड़ के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। तकरीबन 1.5 घंटा इसको हल्की आंच पे रख दीजिए। मुनक्का है घर में? मुनक्का, मुनक्का और किशमिश साथ में पीस के इसको उसी पानी में डाल दीजिए। अगर मुमकिन हो तो चांदी का अगर चम्मच हो घर में तो बेहतर है, वरना आप आम चम्मच से भी इसको हल्की आंच में 5 मिनट तक चलाएं। चांदी का तो है? चांदी का नहीं है तो कोई बात नहीं, आम जो होता है उसको आप चलाएं, बस आप पकने दें इसको। तकरीबन आधे घंटे बाद जब ये बन जाए तो ये पूरे कप में भर लीजिए, पूरे कप में इसको भर के साइड में रख के, आपके घर फोन पड़ा होगा, कोई फोन है जी? और फोन करके किसी अच्छे डॉक्टर को फोन करिएगा। डॉक्टर को फोन कर? हाँ, किसी अच्छे डॉक्टर को फोन करके उससे अपॉइंटमेंट ले लीजिए,
उससे ये कहिएगा कि डॉक्टर साहब 1.5 साल हो गया मुझे खांसी को और मेरी खांसी जा नहीं रही है। इंशाल्लाह जब आप वहाँ पहुँचेंगे वो आपको दवा देगा, कोई एलोपैथिक या होम्योपैथिक जो भी होगी, उससे इस कदर फायदा होगा। इसका क्या करूँ, ये जो प्याला बन गया ये तो किसी को भी पिला दो, ये तो या फेंक दो इसे कहीं नाली में, अगर बुरा लग रहा है रखा हुआ किसी को भी पिला देना। लेकिन ये करने के बाद ये डॉक्टर, ये सबसे अहम है, लिख लो इसको, किसी अच्छे डॉक्टर को फोन करना है, आप अच्छे डॉक्टर को फोन करके और इससे इलाज करवा लें। और ये जो बनवाया आप प्याले में, इसका क्या करूं? इसको कुछ नहीं करना है, इसको तो तुम फेंको, गोली मारो इसको, या इसको उसी डॉक्टर के पास ले जाओ कि आप पी लीजिए मैंने बनाया। हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हकीमों को दिखाते हैं और वैद्यों को दिखाते हैं, और मैं हकीमों की भी कद्र करता हूँ, लेकिन कुछ हकीम ऐसे भी हैं जिनके बस की बात नहीं होती, लेकिन इलाज पे इलाज इलाज पे इलाज। तो जो मेडिकल साइंस है थोड़ी बहुत उसकी भी मान लेनी चाहिए और थोड़ी बहुत अपनी भी अकल लगा लेनी चाहिए। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे पता चला कि तुम जब पिछले 1.5 साल से और तुम्हारी खांसी का इलाज नहीं हो रहा और तुम मुस्तकिल हर एक हकीम के पास जाते हो और हकीम को दिखाते हो, तो एक बार ज़रा मेडिकल साइंस को भी अपना के देख लो, उनका भी इलाज करवा के देख लो। तो प्लीज़ इस चीज़ को माइंड मत करना, लेकिन ज़रूरी है अगर खांसी नहीं जा रही तो एक बार किसी डॉक्टर को मौका दे दो, शायद ठीक हो जाओ। ये जो आपने बनवाया ये तो ना पीऊं? ये मत पीजिए अभी, ये तो मैं मजाक कर रहा था। आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दीजिए एक बार, और जब तबीयत ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह तो मुझे फोन करके शुक्रिया कह दीजिएगा, क्योंकि इलाज मैंने किया आपका। हेलो सुमन जी, गुड इवनिंग, इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ, आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेंट करी है? हाँ जी हाँ जी। क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप? इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है। कनेक्ट नहीं हो पाता है, सुमन जी सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ? सुमन शर्मा। दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाता है, तो स्पीड इतनी स्लो हो जाती है इसमें। वो सारी चीजें हो जाएगी। आप ये सिक्योरिटी के कारण आपका डेट ऑफ बर्थ जान सकता हूँ? 13 जुलाई 1990। बीच में ना डिस्कनेक्ट हो जाता है। वो कोई प्रश्न, सुमन जी सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस है 3rd K 35 14A 1st फ्लोर। तो इंटरनेट चलता नहीं है ऊपर से, मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा। कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें, सिक्योरिटी की वजह से आपका सनशाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको। सिक्योरिटी के लिए सनशाइन क्यों? क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म। मेरा सनशाइन कैंसर है। प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला है, बाकी तो चला ही नहीं। सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ? राहुल शर्मा। और ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता दो। वही तो मैं आपको, अरे मैडम सबसे डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए, डिटेल होना चाहिए। सुमन जी आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हम? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं? क्या नहीं तो मैं, अरे मैडम आप, मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है, आप अगर मेरा मतलब है। पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा, क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है। दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया, रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है, आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप? हेलो मैडम, गुड इवनिंग, आई एम कॉलिंग फ्रॉम वुमेन हेल्पलाइन कॉल सेंटर। मैडम हम एक सर्वे कर रहे हैं जिसमें हम ये जानना चाहते हैं कि दिल्ली की लड़कियों को लगता है कि उनके साथ छेड़छाड़ करी जाती है, खासतौर से लड़कियों के साथ कमेंट पास करते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं, लगता है कि इन लड़कों को किस तरह की सजा देनी चाहिए? हाँ जी बिल्कुल मिलनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर वो प्रोफेशनली काम करने आया है, तो छेड़ना वेड़ना नहीं करना चाहिए उनको। नहीं आपको ये लगता है कि लड़कियों की कोई गलती नहीं है, सारी लड़कों की गलती होती है? लड़कियों की कोई गलती नहीं, कोई लड़की नहीं चाहेगी कि कोई लड़का उसको ऐसे बिना किसी बात के छेड़े या कुछ ऐसा हो।
मैडम एक सेकंड होल्ड करेंगे, एक सेकंड होल्ड करिएगा। अमित अमित तेरी वाली आ रही है, कामिनी कामिनी हाय किधर, जस्ट गो टू हेल। ओके ओके सॉरी। यस मैडम आप बोल रही थी किस तरह छेड़ना मतलब कितना बड़ा अपराध है आपकी नजर? अपराध तो नहीं कह सकते मगर ये एक बदतमीजी है। अगर कोई एजुकेटेड लड़का या लड़की को छेड़ता है तो वो अपनी डेफिनेशन देता है कि ही इज अनएजुकेटेड, ही इज नॉट एथिकल, ही इज नॉट लॉजिकल। मैडम मैडम आई एम सो सॉरी जस्ट होल्ड ऑन। तो आपकी नजर में मैडम हर लड़की के साथ छेड़छाड़ होती है? तो ये तो छेड़ने वाले का दिमाग पे चलता है ना कि छेड़। मैडम एक सेकंड होल्ड करेंगे, एक सेकंड होल्ड करेंगे, एक सेकंड होल्ड करेंगे, एक सेकंड। राजेश राजेश तेरी वाली आ रही है, तेरी वाली आ रही है, पिंक सूट में मैं बात कर रहा हूँ। मैडम आप होल्ड करना, तेरी वाली आ रही है। पूजा कॉफी पीने चलेगी। कौशल्या कौशल्या थोड़ा सा गुस्सा मुर्गी। कॉल सेंटर बंद। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आपका मुर्गा बन गया। आप रेडियो मिर्ची पे नवेद के साथ हैं और मैं बोलिए। आई वुड लाइक टू विश हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल द वंडरफुल वुमेन ओवर देयर। और ये भी बोलना चाहूंगी कि अब वो टाइम आ गया है कि हम अपनी कमर कस लें और अपनी हिफाजत खुद करें। दे शुड नॉट रिलाय अपॉन अदर्स बिकॉज वी आर क्वाइट स्ट्रांग। एंड सेकेंडली मैं उन लड़कों को भी बोलना चाहती हूँ, खबरदार अगर तुमने किसी को छेड़ा या बुरी नजर से देखा तो मैं ठीक वैसे ही तुम्हारे सर के ऊपर आके चिल्लाऊंगी जैसे अभी चिल्लाई। हैप्पी वुमेन्स डे वंस अगेन एंड थैंक यू सो मच। हाँ नीरज। हाँ से बोल रहा हूँ। यस सर, यस सर बोलिए। आपका माल तो देख लिया हमने, लेकिन मैं आपको सही बताऊँ, मैं पहली बार है कि आपकी कंपनी से माल उठा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी बाहर बेचता हूँ और बायर बड़े बड़े हैं हमारे पास, ठीक है। अच्छा। लेकिन इसमें ये आप थोड़ी सी रियायत और करो। कर रहे तो आप एक 10 रुपए कम दे दीजिए। 10 रुपए कम? अब यार मुझे पूछना पड़ेगा पहले बॉस से, जिनसे बात हुई थी ना आपकी। हाँ जी। उनसे पूछना पड़ेगा पहले मुझे, मैं भी घर पे हूँ। एक सेकंड नीरज जी होल्ड करना आप। हाँ जी। अरे हेमलता अनुज कहाँ है? इधरा इधरा मारो, शक्ल दिखा दे मार, ये बनेगा डॉक्टर, तू भी मारी से मार। डॉक्टर बनेगा शक्ल पे दे दिख रहे डॉक्टर। दो और मार इसके, 4 साल का हो गया डॉक्टर ने शक्ल पे डॉक्टर ही ना आ रहा इसके। परे को ले जाए हेम लेता ऐसे, परे को ले जा, परे को ले जा। हेलो। हाँ जी। आप क्यों मार रही है बच्चे को? बच्चे को ना मारूं, उसकी शक्ल पे नहीं लग रहा डॉक्टर बनेगा नहीं बनेगा। 4 साल का है हमारा लड़का, मैंने हेमलता अपनी वाइफ से भी कहा, इससे भी कहा है कि इसकी शक्ल पे देख। कितना बड़ा है? 4 साल का है, 4 साल का, आज तक 4 साल का हो गया, इसकी शक्ल पे नहीं दिख रहा मुझे डॉक्टर बनेगा बड़े होके। खून पी रखा है इसने हेमलता, आपकी बात ना लगे कल को, सही बता रहा हूँ, इतनी इससे ज्यादा मारियो इसे। अरे तू पागल तो नहीं हो गया? क्यों? और 4 साल का बच्चा जब उसकी शक्ल पे दिख नहीं रहा कि डॉक्टर बन नहीं बनने का, वो तो मारू ना उसे, मेरा बच्चा ज्यादा टेढ़े मत करना। ये तो सही कह रहे हो तुम नीरज, 4 साल के बच्चे को देखने के बाद मुझे कैसे अंदाजा होगा कि डॉक्टर बनेगा या नहीं बनेगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी तो है नीरज कि तुम्हें तो पेट में ही अंदाजा हो गया कि तुम्हारी जो होने वाली बेटी है वो तुम्हारा खून पिएगी और तुम्हारा नाम बदनाम करेगी। मैं तो उसको चांटे मरवा रहा था नीरज, तुम तो जान से मार देना चाहते हो अपनी बेटी को। कितना फर्क है नीरज, तुमसे इसकी आवाजें नहीं सुनी गई और खास तौर से तुम्हें गुस्सा इस बात का आया कि 4 साल का बेटा है, उससे मैं अभी से उम्मीद लगा रहा हूं कि पता नहीं डॉक्टर बनेगा या नहीं बनेगा, जो बोल भी नहीं सकता। और नीरज तुम्हारी वाइफ के पेट में जो बच्ची पल रही है तुम उसको मार देना चाहते हो बिना अंदाजा लगाए, मतलब उसकी शक्ल देखे बिना भी उसको जान से मार देना चाहते हो। पता नहीं मैं कैसे समझाऊं कि यार लड़कियां माँ बाप का नाम बदनाम नहीं करती, माँ बाप का नाम रोशन करती हैं। बस एक बात बताऊं मैं तुम्हें, लड़का जब तक तुम्हारा है जब तक उसकी शादी नहीं होती ये कहते हैं, लेकिन लड़की जब तक तुम्हारी है जब तक उसके प्राण नहीं चले जाते, जब तक वो खत्म नहीं हो जाती। नीरज कितने शर्म की बात है कि अपने वाइफ के अगेंस्ट जाके तुम कितने दिन से अल्ट्रासाउंड कराना चाह रहे हो और जब तुम्हें पता चल गया कि लड़की है और तुम्हारी दूसरी लड़की हो रही है, तो नीरज क्या हो गया अगर 11 लड़की भी हो गई? नीरज जरा इस बात को सोचना कि तुम्हारी बेटी जो है 4 साल की, अब तुम मोहब्बत करते हो ना उससे, प्यार करते हो,
जरा इस बात को सोचना कि अगर वो बेटी तुम्हारी सो रही है और कोई चुपके से आके उसका गला घूंट दे, बर्दाश्त कर पाओगे तुम? नीरज, हमें अंदाजा नहीं होता किसी लड़की को अबॉर्ट कराना बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे पेट में हाथ डाल के उसका गला घोट देना और उसको जान से मार देना और वो तड़प तड़प के मर जाए। लड़का कैसा होता है और लड़की कैसी होती है, इस बात का फर्क समझ गया मैं नीरज। तुम्हारी वाइफ एक लड़की है और तुम लड़के हो। उसकी ज़हनियत यह है कि जो जान है, जो दुनिया में आना चाहती है, उसको मैं जान दूंगी, उसको मैं पालूंगी। और तुम्हारी ज़हनियत ऐसी है कि जो पेट में बच्ची पल रही है, इसको जान से मार दो, इसको दुनिया में आने ही मत दो। कौन बेहतर हुआ नीरज, लड़का या लड़की? मैंने यह भी सुना है कि तुम्हारी माँ तुमसे कहती है अगर दूसरी लड़की है तो उसको मरवा दें क्योंकि तुम्हें लड़का चाहिए। नीरज, अपनी माँ को यह समझाना बहुत प्यार से कि तुम्हारे नाना यानी कि तुम्हारी माँ के बाप अगर इसी तरह की चाहत रखते तो वो ना होती आज दुनिया में। उन्हें भी पेट में अगर कुचल दिया जाता तो जिंदगी देख पाती वो। नीरज, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और इस बात को गलत मत समझना। मैं ये चाहता था कि इस बच्ची की जान बचाऊं और तुम्हारा फर्ज बन जाता है कि तुम बाप हो तो इसको दुनिया में आने दो। नीरज, लाखों लड़के ऐसे हैं जिन्होंने अपने माँ बाप का खून पिया है, जिन्होंने अपने माँ बाप को बर्बाद कर दिया, और सैकड़ों लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है और उनको खुश रखती हैं और जान तक दे सकती हैं उनके लिए। नीरज, तुम्हारे यहाँ तो लक्ष्मी माना जाता है यार उसे। अगर पहली आई तो लक्ष्मी लगी और दूसरी आई तो तुम्हें पेट में ही अंदाजा हो गया कि सब कुछ लूट के चली जाएगी। अब तो पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि बच्ची बचाने के लिए सेल्फी विद डॉटर, लेकिन मैं ये समझता हूं कि सेल्फी से पहले रहम विद डॉटर। उसे इतना हक दो कि वो दुनिया में आए, उसके बाद वो सेल्फी खिंचवा पाएगी। दुनिया में आने के बाद डिसाइड करो ना यार कि कौन गलत या कौन सही। ये किसने मना लिया रिवाज, हमारे दिमाग में किसने घुसा दिया कि लड़कियों को जीना हराम कर दो? पहले तो पेट से मत निकलने दो और फिर घर से मत निकलने दो और शादी हुई तो ससुराल से मत निकलने दो। आई एम सॉरी नीरज, बुरा मत मानना प्लीज। लड़की होगी और उसे हम जन्म देंगे और वो हमारे साथ ही रहेगी। नावेद जी, मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। भोरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे। भोरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे। अंधियारा है घना और लहू से सना किरणों के तिनके अंबर से चुनके अंगना में फिर आ जा रे। हमने तुझ पे हजारों सितम है किए, हमने तुझ पे जहां भर के जुल्म किए, हमने सोचा नहीं तू जो उड़ जाएगी ये जमीन तेरे बिन सुनी रह जाएगी। किसके दम पे सजेगा मेरा अंगना? थोड़ी चिड़ैया मेरी चिड़ैया अंगना में फिर आ जा रे। हेलो रोशनी दीदी, मेरी बात तो सुन लो। हाँ, तुम चुप रहो, मेरी बात कम से कम। रोशनी दीदी, इन्होंने ना मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। रोशनी दीदी, मेरी बात देखो। रोशनी दीदी, मैं ना सानिया बोल रही हूँ। कामिनी ने आपका नंबर दिया था, मैंने सुना आप सबकी हेल्प कर देती है। हस्बैंड वाइफ की बात बाहर क्यों निकाल रही हो? चुप रहो। हाँ जी, बोलिए बोलिए। रोशनी दीदी, इन्होंने ना मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। 6 साल हो गया शादी को। रोशनी दीदी, मेरी बात सुनो। हस्बैंड वाइफ की बातें ऐसे भारी, हर वक्त फोन में रहते हैं, मेरे साथ चलते हैं मार्केट में लड़कियों को देखते हैं। ऐसे कोई करता है अपनी वाइफ के?
साथ। मैंने कभी फ्लर्ट नहीं किया, कभी नहीं किया। बिल्कुल चुप रहो तुम, रात रात को फोन पे फ्लर्ट करते हैं, मैं वहाँ बैठी रहती हूँ इंतजार में। आप मुझे इनसे बात करा दो। नहीं बात कर, डार्लिंग मैं जा रही हूँ। डार्लिंग डार्लिंग रोशनी दीदी, मैं बात कर रहा हूँ। रोशनी दीदी, क्या यार ये घर के चक्कर में ना शर्म नहीं आती आप ऐसी ऐसी हरकत? मैं आपको बता रहा हूँ रोशनी, ये सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। ऐसे कैसे कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती। इनको लगता है मैं लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता हूँ, इनको लगता है मैं रातों को बात करता हूँ, लड़कियों को डेट पे बुलाता हूँ। ऐसे करते ही होंगे, वो इतनी परेशान है, आप देख रहे हो उनकी हालत कैसी है। हाँ। आपको दिख रहा है वो आपसे कितना प्यार? नहीं मैं नहीं करता क्या उसे प्यार? सुनो हाँ, ये हरकतें छोड़ दो, बहुत अच्छा होगा तुम्हारे लिए। अच्छा मेरी एक बात सुन लीजिए आप। बोलो। नंबर जो आपको डायल किया है ये इसके पास तो था, मेरी वाइफ के पास भी, ये मैंने भी ले लिया है। कल क्या कर रहे हो आप? क्यों? Roses are red, sky is blue. Oh my darling, I love you. What do you say? Long ride pe chal, chal. रोशनी दीदी, क्या रोशनी दीदी मेरी बात सुनिए। रोशनी दीदी मजाक कर रहा था, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मैं, तो जिंदगी भर आपके नाम के आगे दीदी ना लगाऊं तो मैं मर जाऊं। मुझे माफ कर दीजिए, मुर्गा बनाया आपका कुकड़ों को।